सुनने जब लोग व्लॉग्स आते हैं, फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। और आज हम एक और नए कैफ़े में आए हैं, और ये कैफ़े आपको पता है नॉर्थ दिल्ली का सबसे बेस्ट कैफ़े है। नाउ यू सी बेस्ट कैफ़े ऑफ नॉर्थ दिल्ली। तो ये कैफ़े हम आपको दिखाने वाले हैं। ये है जीटी करनाल रोड पे, अभी बहुत रिसेंटली खुला है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, 1-2 months ही हुए हैं, 1 month ही हुआ इनफैक्ट। तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको इसका नाम बताती हूँ। नाम है माई स्काई, जो कि जीटी करनाल रोड पे है, जहाँ पे सारे बैंकवेट्स हैं ना, बस वहीं पे ही ये भी बना हुआ है। टेरेस कैफ़े है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, माई स्काई बहुत तगड़ा बना हुआ है, बहुत तगड़ा। तो अब फटाफट से हम ऊपर चलते हैं 4th floor पे। यहाँ से आपको बुकिंग करानी पड़ती है, रिजर्वेशन पहले करवा के आनी पड़ती है आपको, अदरवाइज़ आप यहाँ पे हमेशा आपको पैक भी मिलेगा। तो यहाँ से आप पहले रिजर्वेशन करा के आएंगे, यहाँ से आपको कुछ मिलेगा एक स्लिप काइंड ऑफ, वो आपको ऊपर दिखानी पड़ती है। 4th floor पे टेरेस है और 3rd floor पे इनका इंडोर कैफे है। तो चलते हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो और नोटिफिकेशंस ऑल पर प्रेस कर दो। ये है यहाँ पर लिफ्ट, यहाँ से हमें ऊपर जाना है 4th floor पे। खुल जाओ सिम सिम। अभी आपने माई स्काई का एम्बियंस देखा जो कि बहुत सुंदर है। अभी हमने आपको टेरेस दिखाई और टेरेस के ऊपर भी एक ये बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, पूरा ग्रुप आया हुआ है, और ये सीरियसली पूरा पैक्ड है बाय गॉड। मतलब अभी ये नया खुला है और नए खुलते में ही इतना ज़्यादा चल गया है ना ये माई स्काई, एंड सीरियसली मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे पहले हमने सोलास्ता भी कवर किया था, वो भी इसी के लेवल का बना हुआ है कैफे, वो भी मेरा फेवरेट कैफे है और वो गुड़गांव में है। तो वो चेकआउट कर लेना, आपको कार्ड जो उसका लिंक मिल जाएगा। और ये टेरेस के ऊपर वाली एक जगह भी है, और टेरेस हमने आपको दिखाई जो कि वाटरफॉल लगे हुए हैं, जिसमें कबानाज हैं, कबानाज आर वेरी ब्यूटीफुल, और काफ़ी अच्छी सीटिंग है। अभी हम आपको इंडोर भी दिखाएंगे, बट उससे पहले अभी हमने फूड ऑर्डर किया हुआ है, तो जैसे ही फूड आता है तो फूड रिव्यू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो रात हो गई है, मतलब इतनी देर से ये लोग कर क्या रहे थे। तो अब मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर हम इतनी देर से यहाँ का एम्बियंस शूट कर रहे थे जो हमने आपको दिखाया, और हमने यहाँ पर फूड भी ट्राई कर लिया है। तो मैं आपको अब रिव्यू देती हूँ कि हमने क्या क्या यहाँ पर ट्राई किया। तो सबसे पहले हमने ट्राई किया यहाँ पर पिज्ज़ा, ऑर्थोलाना पिज्ज़ा, और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ी था। मतलब सीरियसली जैसे नॉर्मली पिज्ज़ा जो होते हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा चीज़ नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा चीज़ से भरा हुआ था, इतने सारे चीज़ पूल्स आ रहे थे और वेजीज भी काफ़ी सारी डली हुई थी। इसका बेस काफ़ी सॉफ्ट था, मतलब कई बार होता है ना कि ऐसे हार्ड सा बेस होता है तो वो नहीं खाया जाता, तो इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बेस था। और साथ में जैसे जब हमने उसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना, तो वो थोड़ा सा उसका फीका टेस्ट आ रहा था, बट चीज़ पूल्स तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे आ रहे थे, चीज़ ही बहुत ज़्यादा था। बट फिर उसके बाद हमने उसके अंदर ना ओरिगेनोज और चिली फ्लेक्स ऐड करे, उसके बाद तो सीरियसली भाई इट वॉज टेस्टिंग लाइक हेवन, आई वॉज एब्सोल्युटली इन लव विद द पिज्ज़ा। यहाँ पर नॉन वेज एंड ऑल मटन, चिकन, पनीर बिरयानी और पता नहीं क्या क्या बड़ी सारी फेमस चीज़ें हैं, बट यू नो कि मुझे तो पिज़्ज़ा और पास्ता ही पसंद है। तो पिज़्ज़ा के बाद फिर हमने ट्राई किया मिक्स सॉस पास्ता, जिसका नाम है पास्ता रोज़े।
तो इसके अंदर भी आपको स्पेगेटी और पेनी दोनों पास्ताज मिल जाते हैं। हमने यहाँ पर पेनी पास्ता ट्राई किया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसका मतलब थिक ग्रेवी थी और मशरूम्स बहुत सारे डले हुए थे, बेल पेपर्स थी और आई थिंक कैरेट का भी टेस्ट आ रहा था उसमें। गार्लिक ब्रेड इसके अंदर एक ही आई थी बट काफ़ी लंबा पीस था उसका, और जैसे मैंने बताया थिक ग्रेवी थी, मसाला काफ़ी अच्छा था उसका, सॉसेस बहुत अच्छी लग रही थी, तो दिस पास्ता वॉज ऑल्सो वेरी गुड। सो गाइस आप देख रहे हो ये है यहाँ के कबानास जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सुंदर एकदम लग्जूरियस वाइब आपको देने के लिए ये बनाए हुए हैं यहाँ पे। और ये ना जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के है, जैसे आपने देखा था हमने बिग ट्री कैफे की वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी कबानास थे बट वो बिल्कुल ही बेसिक कबानास थे और वो कपल कबानास थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कार्ड में चेकआउट कर लेना। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने सोलास्टा कैफे भी गुड़गांव में कवर किया था, उसमें भी कबानास थे, वो वाले भी बड़े सुंदर कबानास थे। और जैसे मून कबानास थे, नॉर्मल वाले कबानास थे, राउंड कबानास थे, उनके भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था और यहाँ का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो सारे कबानास जनरली कपल्स या 4-5 लोगों के लिए होते हैं बट ये वाला आप देख रहे हो ये इतनी बड़ी सीटिंग है इसकी, यहाँ पे टिंटेड ग्लास हैं, ब्लैक कलर का पेंट हुआ हुआ है इस पर ताकि बाहर से कुछ ना दिखे अंदर से कुछ ना दिखे, तो ये एकदम आपको प्राइवेट स्पेस मिल जाती है। अगर आपको एक छोटी सी पार्टी थ्रो करनी है 10-12 लोगों के लिए तो ये कबानास बेस्ट हैं। और माइस का आपने देखा कि कितना सुंदर कैफे बना हुआ है, तो एकदम लग्जूरियस वाइब वाली पार्टी आप अपने 10-12 फ्रेंड्स के साथ फैमिली गेट टुगेदर ये सब यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसे चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है बट आपको रिजर्वेशन इसमें 10-15 दिन पहले करानी पड़ती है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल पैक्ड रहता है। और जैसे मैंने बताया मिनिमम चार्जेस एज सच यहाँ पे चार्जेस कुछ नहीं है बट मिनिमम फूड बिलिंग होती है कि अगर आप 10-12 लोग आ रहे हो और यहाँ पे अल्कोहल वगैरह भी ले रहे हो तो इतना आपको फूड बिलिंग करनी ही पड़ेगी तभी आपको ये मिलेगा, तो वो ओकेजन पे डिपेंड करता है। स्काई की नाइट वाइब आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद द नाइट वाइब ऑफ दिस कैफे। और ये काफ़ी सुंदर है, जब मैंने आपको बताया आप यहाँ पर जैसे अगर आपको प्रॉपर डेट के लिए आना है और आप नॉर्थ दिल्ली में आसपास कोई बहुत अच्छा कैफे ढूंढ रहे हो तो माय स्काई कैन बी द वन फॉर यू। और यहाँ पर जैसे आपने देखा हाईलाइट्स काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे ये फ्लेम्स हैं। अब जैसे विंटर्स आ गई और विंटर्स में हम लोग ढूंढते हैं कि टेरेस कैफे ही जाना है ताकि हम लोग इन्जॉय कर पाएँ, तो ये फ्लेम्स ही हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोजी फील कराने के लिए। और ऐसी फ्लेम्स ना मामाज बॉय GK2 में भी जो नया खुला था लास्ट ईयर वहाँ पर भी है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी तो वो भी देख लेना, ऊपर कार्ड्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी बड़ा अच्छा कैफे बना हुआ है विंटर्स के हिसाब से, वो भी बड़ा अच्छा है। अभी हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए विंटर्स से रिलेटेड ही कैफेज लेकर आएँ और नए नए कैफेज लेके आएँ,
तो अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और भी यहाँ के काफ़ी सारे हाईलाइट्स हैं, जैसे कि वाटरफॉल्स लगे हुए हैं, कलर्ड फाउंटेन्स हैं, कबानास बहुत ब्यूटीफुल है जैसे अभी हमने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे लाइव सिंगिंग भी होती है, लाइव सिंगिंग रात को स्टार्ट होती है 9-10 बजे के अराउंड। और जैसे स्टेज भी आपने देखा, नीचे इंडोर भी बना हुआ है, और इंडोर वाला भी अभी हम आपको दिखाएंगे, वो क्लबिंग वाली वाइब देने के लिए आप यहाँ पे बनाया गया है। जैसे आप देखते हो क्लब्स, जो नाइट क्लब्स होते हैं वो सारे साउथ दिल्ली वगैरह में ही है, नॉर्थ दिल्ली में कुछ नहीं है। तो नॉर्थ दिल्ली में उन्होंने वैसी वाइब देने के लिए ये बनाया है नीचे वाला इंडोर, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी आपने यहाँ का इंडोर कैफे देखा जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बड़ा पीसफुल सा है, और ये ना आपको मेन क्लबिंग वाली फील देने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको पूरी क्लबिंग वाली फील देने के लिए बनाया गया है। और ये जैसे डीजे देखा आपने, तो पार्टी अगर आपको करनी है तो ये आप बुकिंग करा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ना आपको आला कार्ट में भी मिल जाता है, रिजर्वेशन करा के आनी होती है, बट आजकल विंटर्स में तो सारे ना ऊपर टेरेस ही प्रेफर कर रहे हैं। बट अगर आपको जैसे 20 लोगों की बुकिंग करानी है, यहाँ पे पार्टी करनी है, तो वो जो एक पूरा सोफे वाला एरिया है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और आपको पर हेड के हिसाब से यहाँ पे बुकिंग करानी पड़ेगी। वो आपकी होती है 1600 रुपीज़ वेज पर हेड और 1700 रुपीज़ पर नॉन वेज पर हेड। अगर आपको अल्कोहल भी इंक्लूड कराना है तो उसके अंदर ब्लैक डॉग, वोडका, एब्सोल्यूट, ये सारे प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं और वो 4000 रुपीज़ पर हेड होता है। तो ये आप पूरा बुक करा सकते हो एरिया, बट 20 पीपल की मिनिमम बुकिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा भी आप देखो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अगर आपको पूरा हॉल ही बुक कराना है तो उसके लिए 100 पीपल मिनिमम होने चाहिए, और प्रॉपर पार्टी, लाउड म्यूज़िक, क्लबिंग वैसी वाली फील देने के लिए ये इंडोर बना हुआ है। इसकी सीटिंग भी बड़ी कोजी और काफ़ी लग्जूरियस है। अब हम नीचे आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ बिल्कुल राइट हैंड साइड में ही इसके क्रोमा है, क्रोमा के बिल्कुल साइड में पड़ता है माइस का। सो अब हम अपने घर जा रहे हैं और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय।